सुभान ये क्या बच्चे कहाँ गए? ने यहाँ पे डोल हाउस सेट किया हुआ था वो दिनों में, और हमने मीठा छोड़ दिया बिल्कुल, चाय फीकी पी, मीठे ड्रिंक्स नहीं पिए, फ्रूट लिया हम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सैर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सैरी शफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर एक नया व्लॉग लेके ज़बरदस्त सा। तो जी आज माशाल्लाह से 20th रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम आपको मैं बता देती हूँ, टाइम हो रहा है जी 1:00, 1:10 तकरीबन हो रहे हैं। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, जैसे रूटीन माशाल्लाह से हमारी चल रही है, सहरी कर ली थी, आज संडे है तो बच्चे अभी घर ही हैं आज, ठीक है। और बच्चों को फिर मैंने नाश्ता वगैरह करवाया है, और आज हेल्प आई थी तो उनसे ये देखें काम शाम सारे करवाए हैं, बेडशीट्स चेंज हुई हैं, सारी की बेडशीट चेंज हुई है, बल्कि अभी होनी है वहाँ पे, अभी कपड़े धोए हुए हैं, यानी कि इस तरह के घर के सारे काम जो है ना वो चल रहे हैं। लेकिन हमारी बाकी की सारे दिन की रूटीन देखने के लिए आपने करना क्या है? आपने हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि जैसे कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है जी। बच्चों से भी आपको मिलवाती हूँ, आज हम सारा दिन क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप हमारे चैनल को जल्दी से जरा ना जाके सब्सक्राइब करके आए पहले, ठीक है जी। चलते हैं दूसरे रूम में, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, आज खूब संडे मनाया जा रहा है, और मैं क्या करने लगी हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेट्स गो। ये क्या बच्चे कहाँ गए? रैन ने यहाँ पे डोल हाउस सेट किया हुआ था वो देखिए, अम्ब्रेला रखी है, पियानो, रैन की डॉल और रैन के सारे टॉयज हैं, रैन ने अपना बोर्ड रखा हुआ है, ये सारी इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये सारे हमदा के टॉयज पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, अभी मैं इनको ढूंढती हूँ जरा, ये सब कहाँ गए हुए हैं। आप लोग बच्चों अच्छा बाहर निकले हुए हैं, हेल्प गई थी ना तो ये बाहर देखने लग गए हैं, मुझे पता चल गया है। ओ फल्ला, अगर वहाँ पे सारे टॉयज सेट करके आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं? चले आ जाए शाबाश, चलो आ जाओ। हम दर जो है वो शावर लेके चेंज करने लगी है, सारिम ने चेंज कर लिया, सारिम हाथ हिला दो, और हुरैन ने भी, सारिम इतनी धूप में ना बाहर खेलना, अंदर आ जाओ। गए हम दर शावर लेने लग गए, इनको मैं बाहर ही छोड़ आई हूँ। खैर मैं जो है ना, मैं क्या करने लगी थी कि ना, मैंने ये ना कल कंबल रखे तो मुझे एक बॉक्स मिल गया ना, ड्रेस सूट वाला था कोई, मैंने रखा हुआ संभाल के कि किसी को गिफ्ट देना पड़े तो यूज़ बंदा कर लेता है, कुछ इसमें डाल के दे देता है। खैर अब मैंने सोचा इसके अंदर ना मैं अपना सारा मेकअप का सामान ऐसे सीधा सीधा करके सेट कर लेती हूँ, और ना ये जो बॉक्सेस हैं ना इनमें से कुछ बॉक्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इनमें जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह से पड़ी हुई हैं, तो वो सब सामने डिस्प्ले नहीं है, ऐसे नज़र नहीं आती ना, फ़ौरन इंस्टेंट यूज़ के लिए ढूंढनी पड़ती है। तो अब मैंने सोचा है कि ना ये वाला बॉक्स लेती हूँ, और ना सारी की सारी चीज़ें ना इस बॉक्स में करती हूँ, और फिर ये इस तरह से ऊंचे नज़र आते हैं ना, वो ऐसे फ्लैट होगा तो अच्छा भी लगेगा। तो और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको फिर डेकोरेट भी कर सकती हूँ, इसके ऊपर कोई और पेपर भी लगा सकते हैं हम शाइनिंग वाला ला के ना, तो ये प्यारा लगेगा, इसको फिर कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं हम, स्टिकर्स वगैरह कुछ लगा के। तो खैर ये आइडिया मुझे आया, क्योंकि सुकून तो मुझे है नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना है, तो ये करती हूँ। हाँ सच मुझे याद है, मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, कल मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरा वेट जो है वो ऑलमोस्ट 3 kg जो है वो कम हो गया रमज़ान में। मैं पिछला अपना व्लॉग देख रही थी तो उसमें ना मेरा वेट था 64, यानी कि रमज़ान के फर्स्ट वीक में। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैं शोखी हो गई कि मेरा वेट कम हो गया, तो मैंने टैंग मीठा पानी इतना पीना स्टार्ट कर दिया, तो ना मेरा रमज़ान में 2-3 किलो वज़न बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर पूरे साल में भी 2-2.5 किलो वज़न बढ़ गया, यानी कि मेरा 4-4.5 किलो ना 64 से ऊपर हो गया था। तो फिर पूरा साल मैंने इतनी कोशिश करनी मेरा वेट कम हो जाए, कम हो जाए, कम ही नहीं होता था। अच्छा इंटरमीडियंट फास्ट का भी मुझे पता था कि वो करें तो वेट कम हो जाता है, वॉक भी करनी, लेकिन वेट मेंटेन ही अटक गया था, स्टक हो गया था, हिल ही नहीं रहा था ना। तो अब रमज़ान आया तो अब मैंने इतना पक्का इरादा किया, और सलमान साहब ने तो पहले मुझसे पहले वेट कम कर लिया था, उनका तो 6 किलो माशाल्लाह कम हुआ है, तो उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिली। अच्छा फिर हमने क्या किया कि हमने ना मीठे पानी का बैकआउट कर दिया, आज माशाल्लाह 20वां रोज़ है, हमने 3 या 4 दफ़ा हार्डली बनाया होगा टैंग, और 1 दफ़ा शायद रूह अफ़ज़ा बनाया, वरना हमने लस्सी ही पी है, और 2 दफ़ा शायद शेक बनाया बीच में, यानी कि टोटल मिला के ना 6-7 दफ़ा चीज़ें ली हैं, यानी कि इन 20 दिनों में। और हमने मीठा छोड़ दिया बिल्कुल, चाय फीकी पी, मीठे ड्रिंक्स नहीं पिए, फ्रूट लिया हमने, खाना खाया लेकिन पोर्शन कम कर दिए, तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा वेट कम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। अब इंशाल्लाह
माशाल्लाह ये तो 10 रोज रह गए, इनमें भी मेरी कोशिश है कि कम से कम 2 kg जो है वो मैं और पीछे जाऊँ, मैं अपने वेट पे वापस आ जाऊँ। तो फिर उसके बाद जो है पूरा साल आप यकीन करें वेट नहीं मेरा उतरा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं उसको मेंटेन करूँगी, क्योंकि कभी कभी आपका वेट ना स्टक हो जाता है, हिलता ही नहीं है। तो खैर अब ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें रख लो, और ये लोग भी बाहर से आ गए अंदर और शोर शुरू हो गया सारे का। क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, चोट लग जाएगी, भाग के फिर रहे हैं। खैर मैं अब ये कर लूँ काम, ठीक है, फिर नमाज का टाइम हो जाना है, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम जाएंगे किचन की तरफ। ये देखिए हमने सब बिखेरा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कुछ बॉक्स में जिनमें नेल पेंट्स थे ना वो यहाँ ज्वेलरी बॉक्स में वगैरह रख दूँ, और इस तरह से चीज़ें सारी एकोमोडेट कर लूँ, और ताकि यहाँ पे रश ज़रा थोड़ा सा कम हो जाए, कोशिश करते हैं। बाकी इसके अंदर मैंने अपनी मेकअप किट्स वगैरह रख लिया, और ये देखें ज़रा मामा का मेकअप लेकर और यहाँ पर सब तैयार हो रही हैं डोली। ओके ओके खेलने दो, यहाँ पे जी मेरे जो एक्सेसरीज हैं वो रख रही हूँ, ताकि ईद आ रही है ना, फिर लिपस्टिक्स ढूंढनी मुश्किल नहीं होंगी, जो हर चीज़ हाथ में होगी जल्दी जल्दी से निकालेंगे और हम तैयार होते जाएंगे फटाफट से। तो इसलिए आज ये काम मैंने कहा कर लेती हूँ, ज़रूरी काम है, सो दैट्स व्हाई। जी गाइज मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ना चीज़ें सारी सेट कर ली हैं, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे नेल पेंट्स कर लिए हैं, यहाँ पे मेरी आईज़ की एक्सेसरीज जो होती हैं, और ये देखें मैंने यहाँ पे सारी अपनी ब्रांडेड लिपस्टिक्स रख ली हैं, और यहाँ पे भी ब्रांडेड ही हैं लेकिन थोड़ी नॉर्मल वाली जो है वो रख ली हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्राइमर्स रख लिए हैं क्योंकि जब जल्दी होती है ना, और ये सारे कंसीलर वगैरह रख लिया है, और आईलिश ग्लू रख लिया है, क्योंकि जब होती है ना जल्दी ईद वाले दिन और इतनी अफरा तफरी हो रही होती है और जल्दी जल्दी तैयार होना होता है, आप यकीन करें मुझे आज तक कभी प्राइमर नहीं मिला टाइमली, तो मैं तो फिर ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ, और वो कोई किसी बॉक्स में होगा, कभी मेरे हैंड बैग में होता है, कभी कहीं जाने लगे रखी होती हैं चीज़ें, तो मिलती नहीं है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा मैंने ना पहले ही अपना मेकअप सारा जोड़ के रख लेना, एक दिन ज्वेलरी सारी निकाल के जोड़ के रख लेनी है, ताकि मुझे ईद वाले दिन ना कोई मुश्किल ना हो, ज़रा प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आज मैं लिपस्टिक्स वगैरह और ये मेकअप सारा फाउंडेशन सेट कर लिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्स, ये देखें यहाँ पे सारी मैंने अपनी किट्स रख ली हैं, आई शेडो वाली ब्लश ऑन रख लिया है, ये सारा कुछ रख लिया है, ठीक है। सो नो मोर प्लेइंग, तो आ जाओ अंदर। सो बस ना, और जो फाउंडेशन थी ना सारी मेरी वो फिर इसमें ही आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें मेरे वो सारे के सारे पाउडर्स हैं, और कुछ हाइलाइटर्स हैं, और कुछ फाउंडेशंस हैं, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई हैं सारी। एक्वा की भी कितनी सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये देखें ये पड़ी हुई हैं, और ये इसके अंदर नार्स की लेके रखी हुई है, इसमें नार्स की है, मैं आपको दिखाती हूँ, नार्स की है, हम दोनों सिस्टर्स ने शेयर की थी, तो जो बॉक्स था वो उसके पास से लगा, और बाकी की मैंने इसमें डाल ली, अब मैं इस पे ये वाली लगा के तैयार होंगी। तो इस तरह से कौन सा वाला, ये मैं डस्टबिन में डालने लगी क्योंकि ये फिनिश्ड है, ये देखिए झगड़ा कर रही, नो नो लड़ाई होती है, नो नो लड़ाई होती है, नहीं किसी को भी नहीं मिलना, नो 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 नो। कह रहे मम्मा ये आपने किसा रख दिया है, लेकिन ना बाबू जी नहीं, इसके ऊपर लाके ना कोई स्टिकर लगा देते हैं, देखो ना इससे मेरी ये सारी सामने आ गई है ना, जो सी मैंने यूज करनी है मैं यूज कर लूंगी, तो क्या हुआ इसके ऊपर स्टिकर लगा लेंगे, ठीक है। बाकी ये सेटिंग हो गया गाइस, ये वाला मेरा ज्वेलरी बॉक्स, और ये चीजें यहाँ पर आ गई, और ये आ गया, और जो बाकी दो बॉक्स हमारे खाली हुए हैं वो हमने रख दिए किचन में, वॉश करके उसको किचन में यूज कर लेंगे, ठीक है जी। अब लगे हैं हम नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ो, चलो जल्दी वजू करो सब। जी गाइस फाइनली मैंने ना सेटिंग कर ली, और सेटिंग मैंने ना थोड़ी सी चेंज की है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ना हमने इस रूम में सेटिंग कर लिया, ज्वेलरी बॉक्स कैरी कॉस्मेटिक्स बॉक्स यहाँ पे आ गए, इसमें लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स आ गए हैं, ठीक है। और ये देखिए मेकअप मेरा पहले भी यहाँ पर ही होता था, अब फिर मैंने यहीं पर रख लिया है, क्यों ठीक है, उसकी क्या रीज़न है कि मुझे एकदम से ख्याल आया जब मैं चीज़ें सेट कर रही थी कि अब तो समर आ गया और AC चला करना है, और इस रूम में ही मैं अपना ज़्यादा मेकअप रखती हूँ जब होती है ना समर्स, क्योंकि AC चलता है तो मेकअप एक तो ख़राब नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर तैयार होना मुझे फिर ईजी लगता है कि मैं यहाँ पर ना, और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पे तैयार होना इजी लगता है ना, कि मैं यहाँ पे इजीली रेडी हो जाती हूँ, और दूसरे रूम में फिर गर्मी लग रही होती है, ये कमरा ठंडा होता है, यहाँ AC चल रहा होता है, तो फिर यहीं पे जल्दी से रेडी हो जाती हूँ प्यारा सा, हाँ। तो इस वजह से मैंने चीज़ें यहीं पर रख ली, और ये देखें जी हुरैन मेरे चेक करिए ड्रॉस, हुरैन पीछे होना ज़रा, यहाँ पे मैंने अपनी बीबी क्रीम्स और यहाँ पे क्लचर्स वगैरह सारे रख लिए हैं, और ये देखें इसके अंदर मैंने अपनी रखी है फाउंडेशन सारी की सारी यहाँ पर, तो और ताकि ना महफूज हो जाए, ताकि मैं यहाँ से लेके रेडी हो सकूँ इसलिए, और बाकी ना मैं आपको उस रूम में भी लेके जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पे अब क्या हुआ है। अच्छा खैर जब मैं कर रही थी ना चीज़ें सारी समेट रही थी, तो ये देखिए बैंगल्स भी मैंने निकाल के पहन ली,
इयररिंग्स भी पहन लिए, ठीक है, और ये देखे चेन भी पहन ली। और जब भी हम गर्ल्स जो है ना स्पेशली चीजें समेटती है ना, तो हमारा ये तो लाजमी होता है कि हमने ना साथ साथ मेकअप करी जाना है, साथ साथ चूड़ियां पहनी जानी है, साथ साथ इयररिंग्स पे जो जो चीज नजर आई जाएगी उसको हम यूटिलाइज करते रहते हैं। खैर ईद के लिए और आ जाएंगी, तो खैर अभी बहुत सारे काम रहते हैं। अभी मैंने अपना मेकअप असेंबल किया है, लेकिन अभी मैंने अपना जो ज्वेलरी सेक्शन है वो भी असेंबल करना है। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा असेंबल्ड है ऑलरेडी, लेकिन उसको मैं एक दफ़ा देखूंगी ज़रूर कि अगर ईद के लिए वहाँ से कोई मैं यूटिलाइज़ कर सकी या कुछ न्यू ले लूँगी तो। लेकिन नज़रों में होनी चाहिए चीज़ें, और हम भूल जाते हैं ना कि हमारे पास क्या क्या पड़ा है, तो हमें वो चीज़ें देखूंगी मैं सारी तो फिर मुझे याद आ जाएगा। खैर आए दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या किया। ठीक है आ जाए नेट्स को, यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी क्योंकि ना मक्खियाँ आ रही थी, आजकल सीजन हो गया है मक्खियों का। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि सब सोए हुए हैं, आप तो नहीं सोई हुई हो। खैर जी यहाँ पे मैं आपको अब दिखाती हूँ, टनन ये देखें जी रूम सारे का सारा खाली हो गया। पहले भी ऐसे खाली होता था, सिर्फ अंदर हैंड की पिन्स होती थी यहाँ पे, और ये एक बास्केट थी जिसमें इनके हेयर ब्रशेज वगैरह पड़े होते थे। ठीक है अभी भी ऐसे ही हो गया। अब ना करना मैंने क्या है कि मैंने ना अभी ये वाले ड्रॉज भी साफ करने हैं। इनमें ये देखें मेरे कर्लिंग रॉड्स हैं और मेरे स्ट्रेटनिंग ब्रशेज हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये ग्लू गन पड़ी हुई है, इनको मैं करूँगी नीम। ठीक है इस तरफ भी ये देखिए मेरे यहाँ पर स्ट्रेटनर्स पड़े हुए हैं और ये जी हमारे ब्लो ड्राई वाले ब्रशेज पड़े हुए हैं। ठीक है तो अभी ये सब चीज़ें, और ब्लो ड्राई मेरा उस रूम में पड़ा हुआ है क्योंकि वो नहा के निकलती हूँ तो वहीं पर जल्दी से बालों को ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट करनी है ताकि ईद पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ याद है अभी तो मैंने बच्चों के शू सेक्शन सेट करना है कि देखने इनके कौन कौन से जूते हैं जो अब यूटिलाइज हो जाएंगे, और जो गर्मियों के सर्दियों के तो हमने कर लिए थे और अब विंटर क्लोथिंग उठा दी है, समर रख दिया, लेकिन समर के अभी जूते हमने देखने हैं, न्यू भी लेने हैं इन्होंने, तो खैर वो भी फिर जो देने वाले होते हैं ना वो मैं साथ साथ ही दे देती हूँ। और वो सेक्शन भी हम दा भी बहुत जरूर लेकिन अभी ये जूते देखने हैं हमने, कल इंशाल्लाह कर लेंगे शूज का। न्यू तो लेने हैं, तो जो पुराने खराब हैं या छोटे हैं वो देने भी तो है ना, हेल्प को अपनी हेल्पर को देंगे ना ताकि पुराने, हाँ पुराने दे देंगे और नए हम रख देंगे। तो अभी बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं गाइज, और मुझे रोजा भी इतना ज्यादा लग गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारा काम करते करते 4:15 हो गए, और कब मैं लगी थी 1 बजे था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैंने अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया है। तो मैं सोचती हूँ कि ना सलमान से कहती हूँ कि आ जाए आप ही कुछ ले आए, क्योंकि मैं मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ताकत ही नहीं है कि मैं आप जाके ना किचन में खड़ी हूँ। जस्ट ये मेकअप अभी समेटा है, आप ये देखें अभी इतनी कबर्ड्स हैं, इतने कैबिन्स, हर चीज़ें समेटने वाली हैं। यार गर्मियाँ क्यों आती है, ईद आ रही है ऊपर से। क्या कह रहे हो, चलो मैं बाबा से पूछती हूँ ना। बाबा को होता है कि अफ्तारी में घर का खाना हो, क्योंकि हेल्दी फूड वो लाइक करते हैं, क्योंकि रोज़ा खुला होता है तो वो कहते हैं कि पेट में दर्द ना शुरू हो जाए। माशाल्लाह हमने इतने सारे अल्लाह ताला नजरबंद से बचाए, रोजे रखे हैं तो माशाल्लाह सही सेहतमंद हेल्दी रह कर रखे हैं, कोई बीमार नहीं हुआ, कि पेट का मसला किसी को नहीं हुआ, वरना इतने लोग बीमार हुए हैं, हैजे पेट खराब, लोगों को इतने मसले हुए हैं सारी, आपको नहीं पता। वो इसी वजह से हम बचे हुए हैं कि हमने एहतियात किया और हमने जो है वो घर का खाया। तो खैर अभी तो मैं लगी थोड़ी सी रेस्ट करने, 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं अभी। ठीक है क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ छह पर, मैं उसे पूछती हूँ कि फ्रेंड के लिए क्यों टॉफी नहीं लेकर आए हो, उसे कहेंगे मुझे भी दे। ओके ओके ठीक है ऐसे ही होगा। आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, सिंड्रेला लग रही हो। ओ येलो मैं को क्यों नहीं दी कैंडीज, मेरी है अपने पैसे भी लाया हूं, उसकी 20 की है पर 10 की लाया हूं, तो उसके लिए भी पैसे ले जाते कैंडीज के लिए, उसे बताया नहीं मुझे का पता। तो वो अब रो ये देखो आपने उसको छोटी बहन, ये किसको 10 रुपीस है, ये कहाँ से मिले, तो गिरा हुआ थी, हाँ ये वो ये आपको मिल गई ना कैंडीज, तो कहाँ से लाए हो, साथ वाली शॉप ओपन थी, तो दो ये पैसे भाई को हरान को भी कैंडीज ला के दे, कितनी बुरी बात है, आप खाओगे और वो नहीं खाएगी, तो फिर कैंडी तो क्या कैंडी, तो बच्चों का दिल करता है ना एक कैंडी, तो एक कैंडी शेयर करो बहन आप। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा पेंडेंट तो दिखा दो अंकल क्या कहते हैं, पास आके इधर बैठ के दिखाओ, नजर नहीं आ रहा, हाँ ये देखो सारी ने ना आज ये पेंडेंट मिला था, ये लेके डाला हुआ गले में, 2021 का है वैसे ये। चलो ठीक है जाएं जी, शाबाश चीजें समेटते हुए निकला था, जाओ जाओ ला रहा है भाई लेके आ रहा है, ओए आपको नहीं दे दी कैंडी, चलो आप भाई को नहीं जाना पड़ेगा, नहीं चलो रख लो, आप अपनी भाई से ला देता, और गाइस वो देखो वहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा है जो कल अपलोड किया था,
और यहाँ ये मस्तियाँ चल रही हैं और यहाँ मैं लेटी हुई रेस्ट फरमा रही हूँ। जितना इन लोगों ने शोर शराबा डाला हुआ है ना कि मैंने कहा मैं देखती हूँ बाहर और यहाँ पे भी लाइट ऑन करूँगा तो बाहर देखती हूँ जरा ये कर क्या रहे हैं जो इतना शोर डाला हुआ है ना। रैन कभी रोने लग जाती है, कभी कहती है मुझे इन्होंने कैंडीज नहीं दी हैं और मेरा इतना थकावट हो गया है मैं आपको बता नहीं सकती। और ये कपड़े देखे आए थोड़े से वॉश करवाए थे, ये भी यहाँ पे आए। ओ आप नाराज होकर बैठी हो यहाँ पे, मैं आपकी आवाज़ सुन के आई हूँ कि मेरी डॉल को किसने मारा हुआ है पर उल्लू बनाया वो चला गया फ्रैन का तो उल्लू बनाया बड़ा मजा आया उल्लू बनाया। चलो मेरी बेटी को कोई उल्लू नहीं बना सकता, ऐसी प्रिंसेस किसी के पास नहीं है। तो छोड़ दो हमें, छोड़ दो चलो थोड़ी देर बैठ लेने दो, उसका दिल कर रहा होगा भाई कितना प्यारा मौसम है ना, मेरा भी दिल कर रहा है यहाँ बैठ जाऊँ। प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, स्काई भी बाहर आ जाऊँ दिल कर रहा है वॉक कर लूँ यहाँ पे। हाँ हिम्मत है आ रही है, थकावट इतनी हो गई है ना सच्ची, रोजे के साथ नहीं बंदे को ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए, थक जाता है इंसान। वो ऊपर से उठाओ, ये किसने रखी ऊपर, ये आप लोग इसी तरह तो वो सारा प्लांट टूटा है ना, ऐसे आप क्या करो बाहर नहीं निकलती। चलो 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 वो देखो झाड़ू कैसे रख के गई है, साइड पे कर दो हम ना साइड पे, मैं बैठा कर दूँ। आप हुनैन को रुला के दे उसको साथ, आपने क्या किया धोखा किया, बुला दिया, दे दो अब उसको कैंडी, देख ही रो बना हुआ जैसे कहीं एम्स्टरडम जा रहा है, सॉरी एम्स्टरडम जा रहा है तारिम के दुआ सिंह के आ गया सही है। Where are you going, Karim? Yo, honey singh ring, हाथों में गले में पंजंच और चेहरे पे शरारत, और नहीं है बस इतनी आनी थी और कितनी आनी थी, पूरी शॉप थोड़ी ले आया वो, उसे कही जा वो पैर से निकाल के पॉकेट से दे जा रहा है उसे कही जा रही। और हाँ जी गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, अफतारी का टाइम होने वाला है ठीक है, 6:45 तकरीबन, हाँ 6:45 हो गया बिल्कुल। तो ना मैंने सबसे पहले तो लस्सी बनाई है ठीक है, तो मैंने कहा ये रखूँ फ्रिज में लस्सी बना के, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ना रोटी बना लूँ जल्दी से। और सलमान साहब से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं मैं कुछ ना कुछ ले आता हूँ अफतारी के लिए, सो लेकिन रोटी तो मैं बनाऊँगी ज़रूर क्योंकि वो रोटी खाते हैं और सालन पड़ा हुआ है हमारा। तो बस इस तरह से आज लाइट से अफतारी कर लेंगे क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो आज मैं कुछ नहीं बना सकती थी। लस्सी वगैरह मैंने बना ली है तो लस्सी रखती हूँ फ्रिज में और रोटियाँ जल्दी से झटपट बना लेते हैं ठीक है, फिर सलमान आते हैं तो टेबल सेट करते हैं, फिर टेबल पे आपको मिलते हैं। नहीं नहीं ये लगी रहने दो, नहीं ना ये उस पे शाने पे बना ली, सुबह गए अफतारी में थोड़ा सा टाइम रह गया, हमारी चीज़ें आ गई, कचौरियाँ आ गई हैं, दही बल्ले आ गए हैं, साथ में चटनी वगैरह सब कुछ आ गया है, अब हम जल्दी से लगाएं। सलमान साहब का कहते काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 मिनट ही रह गए अफतार होने में, बस हम चीज़ें लगाते हैं। हाँ जी गाइज माशाल्लाह से टेबल रेडी हो गया है और सारिम पढ़ाएगा आज की दुआ अफतार की, सारिम चलो चलो पढ़ाओ बेटे। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु लकसुमतु वाबिका आमंतु वालेका तवक्कलतु वाला रिस्कीका अफ्तर। तो माशाल्लाह सारिम ने बहुत प्यारी दुआ पढ़ी है माशाल्लाह से, आज बहुत से लोगों ने एतकाफ पे बैठ जाना है, हाँ पता नहीं कौन होएंगे नसीब वाले। चलो खैर और आज दूसरा अशर भी, हाँ और आज दूसरा अशर भी कंप्लीट हो गया है। एक बात पूछो आपसे जी, ये लाजिम होता है कि लास्ट अशर पे बैठना, हाँ लास्ट अशर में बैठते हैं क्योंकि आखिरी 10 दिन ही बैठते हैं। तो खैर अब इफ्तार करते हैं रोज़ा ठीक है और उसके बाद आपसे पूछते हैं। हाँ जी गाइस नमाज अदा कर ली है मैंने ठीक है, और ये देखें आके कह रही मेरी चाय नहीं बनाई, नहीं नहीं बनाई थोड़ी सी आधा आधा कप पापा की आधा मेरी। तो खैर गाइस अब बस इफ्तारी करके अब मैं रेस्ट करूँगी ठीक है, और बच्चे भी रेस्ट करेंगे, तो अब मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों नई चीज़ों के साथ। तो उसके लिए आपने हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले जी अल्लाह हाफिज़ बख़ैर।